नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवाइ लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी प्रचार के लिए रहे हिमाचल के दौरे पर। किन्नौर जिले के छोटू में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने दिया बयान कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का है जमावड़ा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल है बेल पर, घमंडिया इंडी गठबंधन के नेता या तो है बेल पर या तो है जेल में। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को ऊना जिले के गगरेट में जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के समय एक बार भी नहीं आए हिमाचल। कांग्रेस पैसे व धन बल के लिए नहीं, जनता के लिए करती है काम। आपदा के राहत कार्यों के लिए केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए नहीं आया एक भी रुपया। जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर में दो दिनों तक सुनने को मिलेगी चुनावी दहाड़। 29 मई को ढालपुर में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की रैली का भाजपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देगी जवाब। 30 मई को कुल्लू के रथ मैदान में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा ने कुल्लू के शमसी में की है बैठक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने किसान बागवानों को अपने पक्ष में करने की बिछाई है बिसात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के वादों से संतोष जताकर संयुक्त किसान मंच ने इंडी गठबंधन को समर्थन का कर दिया ऐलान। शिमला और मंडी लोकसभा क्षेत्र में बागवान मतदाताओं की अधिक है संख्या। देवभूमि अब गिनती के दिनों का ही रह गया लोकसभा का रण। 1 जून को होना है मतदान। प्रचार के लिए 4 दिन हाथ में देख प्रदेश में चरम पर आ गया भाजपा कांग्रेस का चुनाव प्रचार। दोनों दल चारों सीटों पर जीत हार के समीकरणों के हिसाब से स्टार प्रचारकों को हिमाचल के रण में उतारने की रणनीति पर कर रहे हैं काम। हिमाचल लोकसभा चुनाव करवाने के लिए अपने निजी वाहन में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को नहीं ले जा सकेंगे पोलिंग पार्टियां। चुनाव आयोग ने मशीन के साथ निजी वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरह लगा दी है रोक। इसके लिए आयोग ने मतदान कर्मियों को जारी कर दिए आदेश। कोई भी कोताही बरतने पर चुनाव आयोग करेगा कड़ी कार्रवाई। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में एक निजी स्कूल बस व ट्राले में मंगलवार सुबह हो गई टक्कर। हादसे में बस चालक सहित 20 से अधिक विद्यार्थी हुए हैं घायल। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर में करवाया गया है भर्ती। पहाड़ों में आग का जारी है कहर। 24 घंटे प्रदेश भर में जंगल की आग की हुई है 62 नई घटनाएं। इनमें 650 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पहुंचा है नुकसान। अब तक आग की घटनाओं का 958 तक पहुंच चुका है आंकड़ा। अभी फायर सीजन खत्म होने बाकी है करीब 20 दिन। सरकार और वन विभाग की ओर से ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के दावे भी खोखले हो चुके हैं साबित। सूबे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो से मिलने वाले राशन में सामने आए गड़बड़ी का मामला। मामले का पता चलते ही विभाग ने बैठा दी है जांच। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम देहरा के अंतर्गत सरकारी राशन के सामने आई है यह गड़बड़ी। हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को गर्मी से मिलती नहीं दिख रही है कोई राह। जहां मैदानी इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, वहीं तपने लगे हैं पहाड़। मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर में लू चलने की जारी की है चेतावनी। वहीं 30 व 31 मई को लेकर भी अलर्ट किया गया है जारी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवाई लाइव।